पेंगोंग लेक पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस लेह के लिए। अभी वापस नुब्रा वैली जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेंगोंग लेक से लेह का सीधा रास्ता चांगला पास से होके जाता है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पेंगोंग लेक से चले थे सुबह और अभी कहीं रास्ते में रुके, चांगला पास अभी थोड़ी देर में आने वाला है, फिर उसके बाद ले आएगा। आज बहुत ही ठंड हो रखी है, बहुत ही ठंड है आज क्योंकि क्लाउड से भरा हुआ है। आज अच्छा लग रहा है बट रोज़ एकदम कड़कती धूप होती है। बस वी आर वेटिंग कि सब टैंक वैक क्रॉस हो तो हम निकले। चलो चलते हैं अंदर जल्दी से, बहुत ठंड है। सीरियसली आप में हिम्मत है यार, कैसे बैठे हो आप टी शर्ट में? हम यहाँ ऐसे जैकेट में बैठे हैं फिर भी इतनी ठंड लग रही है। पर एक बार आप भाग लिया आपके देखो पता चल जाएगा। So this is Changla Pass. It's at 17,686 feet. कितना beautiful लग रहा है यहाँ पे अभी, fully covered with clouds. अभी तक हम जितने भी जगह पे गए हैं, जितने भी पास क्रॉस किए, हर जगह पे हमें एकदम धूप ही मिली है, बट यहाँ पे एकदम अमेजिंग है। उस वाले कैफे पे चले क्या? वहाँ चलते हैं, वहाँ से देखते हैं और भी ब्यूटीफुल लगेगा शायद। Let's go there. बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। चांगला कैफेटेरिया। ऐसे टाइम पे चाय और समोसा खाना बहुत जरूरी है। पार्ले जी तन की शक्ति मन की बाहर स्नोफॉल हो रही है क्या? पर अभी बंद हो गई। अभी बंद हो गई क्या? देख ना मेरे के ऊपर आ रहा है, आया है, हो रही है, हो रही है। अरे हाँ बहुत मामूली सी हो रही है। इतने दिनों में लद्दाख में हमें पहली बार बारिश देखने को मिली और वो भी पूरी लेह तक। अभी हम थिक्से मिनिस्ट्री पहुंचने ही वाले हैं। ठंड से निकलकर और बारिश वाले रास्तों को पार करके अभी हम पहुंचे हैं थिक्षित मॉनेस्ट्री। यहाँ मौसम काफी सुहाना लग रहा है। काफी बड़ी मॉनेस्ट्री है, घूमने में तो काफी टाइम लग जाएगा। नहीं वाह अमेजिंग व्यू। ओके सो अभी मुझे दो काम करने हैं। पहला मुझे थिक्षित मिनिस्ट्री के बारे में जानना है कि है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, और दूसरा मुझे ऑफिस में जाके पूछना है कि यहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते,
ये दो काम मुझे करने हैं। सो अभी ऑफिस में जाने के बाद पता चला कि यहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए यू हैव टू पे 2500 रुपीज़। सो इतना तो मैं पे नहीं कर सकता बॉस, तो ड्रोन तो मैं यहाँ नहीं उड़ाऊँगा। पर दूसरी चीज़, मुझे बुक मिल गई, सो इसमें थिक सिक यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा घूमता हूँ यहाँ पे और थोड़ा इसके बारे में और जानता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने अपना तेज़ दिमाग लगा के पूरा पता लगा लिया थिक सिक मिनिस्टर के बारे में। तो हुआ कुछ ऐसा कि देयर वाज दिस गाय नेम ज़ेनपो। सो वो लद्दाख में लेह में रहता था यहाँ पे, और वो यहाँ से तिब्बत गया। ओके, तो वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ पता किया कि कोई ऐसा टीचर है जो कि पढ़ा सकता है, स्टडीज़ करा सकता है। तो उसे किसी ने बताया कि मिनिस्ट्री यहाँ पे, तो वहाँ जाके उसने उस टीचर से सब कुछ सीखा। तो उस सीखने के बाद उस टीचर ने उसे बोला कि जो मैंने तुझे सिखाया ना, तू वापस जा लद्दाख और सबको सिखा वहाँ पे जो मैंने तुझे सिखाया है। तो उसने उसकी बात मान ली और वो लद्दाख अपनी लेह सिटी वापस आ गया। ओके, वापस आने के बाद वो यहाँ के किंग से मिला। यहाँ किंग से मिलने के बाद उसने उसे बोला कि यहाँ पे मेरे लिए एक ऐसी टेम्पल या फिर एक ऐसी जगह बना के दो ताकि मैं यहाँ के लोगों को सिखा सकूँ, टीच कर सकूँ, यहाँ पे एनलाइटन कर सकूँ लोगों को। तो उसने वहाँ यहाँ पे मिनिस्ट्री तो बना दी उसके लिए। जब उसने पढ़ाना शुरू किया तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने स्टडी नहीं किया, बट उसमें से एक बंदा था जो किंग का मिनिस्टर का बेटा था, तो उसने और उस ज़ेनपो ने मिल के उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स फाइंड एन अल्टरनेटिव प्लेस हेयर। तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए, उन्हें एक यहाँ पे एक येलो स्टोन मिला। उन्हें लगा कि ये कुछ तो रिलीजियस है यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे थिक सिक मिनिस्ट्री बिल्ड कर दी। और उसके बाद उसने ज़ेनपो ने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, जो थिक से उन्होंने नाम निकाला, थिक मतलब एग्जैक्टली राइट प्लेस। सो दैट्स हाउ वी गॉट द नेम थिक सिक मिनिस्ट्री। सी कितना आसान था, है ना। थिक्से मिनिस्ट्री से निकलते ही हम वाइट लोटस स्कूल में पहुंचते हैं, जो कि बहुत फेमस है थ्री इडियट्स की वजह से, इसे रेंचो स्कूल भी कहते हैं। लद्दाख का सफ़र पूरा हो चुका था, बस कल वापस मनाली के लिए निकलना था। तो अगला पार्ट लास्ट पार्ट ही होगा, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ फोटो खींचा रही है लड़की, फोटो खींचा रही है और फोटो खींच रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं इनको मिनिस्ट्री से यहाँ आए हैं, देखना नहीं चाह रहे, इसके बारे में जानना नहीं चाह रहे।